वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन दाडा ने अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराए जाने व जनपद में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत हत्या के 22, लूट व डकैती के 43, चोरी व वाहन चोरी व नकबजनी के 33 अपराधी, गैर इरादतन हत्या व हत्या के प्रयास के 34 अपराधी सहित कुल 132 अपराधियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई की जा रही है। SSP ने बताया कि इसके अलावा 400 अन्य अपराधियों की सूची तैयार की गई है, जिनकी संलिप्तता महिला संबंधी अपराध, आपसी रंजिश में मारपीट इत्यादि संज्ञेय अपराधों में पाई गई है, जिनके विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, जनपद में आगामी चुनाव की तैयारियां करते हुए लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में गोरखपुर पुलिस ने 132 ऐसे अपराधी चिन्हित किए हैं जो कि गंभीर अपराध करते हैं और लगातार अपराध करते हैं, व्यावसायिक दक्षता के साथ अपराध करते हैं। इन सभी चिन्हित अपराधियों के खिलाफ गुंडा की कार्यवाही करते हुए इन्हें जिलाधिकारी महोदय के कोर्ट में भेजा गया है, जिससे कि इनके खिलाफ जल्द से जल्द जिला बदर की कार्यवाही किया जा सके और इन्हें जनपद से बाहर निकाला जाए। इससे न सिर्फ अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी बल्कि आगामी चुनाव भी शांतिपूर्वक संपन्न करवाए जाएंगे। लगातार पुलिस की विभिन्न कार्यवाही अपराधियों के खिलाफ जारी है और इसी क्रम में ये कार्रवाई की गई है।